महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ये सारी जो नौटंकी कर रहे थे वो अमेरिका में कर रहे थे, और उस समय व्हाइट हाउस से एक मैसेज आना, इससे दो बातें समझ में आती है। पहला कि वास्तव में आपकी छवि पूरे विश्व के सामने क्या है, भारत की छवि पूरे विश्व के सामने क्या है, और दूसरा कि वास्तव में आपने जो ये 3-4 दिनों में भारत की जो बदनामी की है उसको लेकर विश्व नहीं उस चीज़ को मानता है, और यहाँ तक कि आपको ये संदेश देने का कार्य है कि वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो मिथ्या है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये काम आपको अपने देश का नहीं बल्कि विदेश का व्यक्ति बता रहा है। तो निश्चित रूप से हमें रेयर व्यू मिरर का तो सहारा लेना ही चाहिए। अगर वास्तव में अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक परिपक्व ड्राइवर नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब वही बात है कि ये राहुल गांधी ने कहा है, कभी अरुण जी ने उनको क्लोन प्रिंस कहा था, वास्तव में वो इसी तरह के मुझे लग रहा है कि जो शब्द हैं उसके लायक वो हैं। राहुल गांधी जो पिछले कुछ दिनों से अमेरिका दौरे पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ लोकतंत्र पर भी वो वहां से प्रहार कर रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि खुद व्हाइट हाउस के जो प्रवक्ता हैं जॉन किर्बी, उन्होंने यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को मजबूत बताया, और साथ ही साथ अब अगर बात की जाए तो भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी कहीं ना कहीं इशारों में तंज कसा है राहुल गांधी पर। इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पीयूष पुष्कर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले जगदीप धनखड़ जी की बात करूँगा, उपराष्ट्रपति हैं, बंगाल में भी लंबे समय तक वो गवर्नर रहे, अभी उन्होंने कहीं ना कहीं जब वो अफसर को संबोधित कर रहे थे वहाँ पर उन्होंने तंज कसा है, जो राहुल गांधी ने बयान दिया था कि पीएम मोदी जिस गाड़ी को चला रहे हैं पीछे देखकर चलाते हैं, रेयर व्यू मिरर में देखते हैं, गलत आगे बढ़ रहे हैं वो। अब जगदीप धनखड़ ने कहा है कि पीछे देखना ज़रूरी है रेयर व्यू मिरर में, कि देश को कौन कलंकित कर रहा है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्या कहेंगे इस? देखिए, मुझे लग रहा है कि वास्तव में राहुल गांधी एक ऐसे राजनेता हैं जिनको कि ना उनकी पार्टी सीरियसली लेती है ना ही ये देश सीरियसली लेता है। हम सभी ने सुना होगा कि उम्र बढ़ने के साथ बुद्धि बढ़ती है, विवेक बढ़ता है। राहुल गांधी इस देश के ऐसे विरले नेता हैं जिनकी उम्र तो बढ़ती जा रही है, उनका बुद्धि और विवेक नहीं बढ़ रहा है, और इसीलिए उनके आप कोई भी भाषण सुन लीजिए, बिना कॉन्ट्राडिक्शन का उनका कोई भाषण खत्म ही नहीं हो सकता है। ये उस परिवार के वारिस हैं जिस परिवार ने भारत को भ्रष्टाचार, परिवारवाद और एक कंप्लीट इनडिसिसिव एक जो नेतृत्व है वो दिया है। भारत को वर्तमान समय में जिस हिसाब से बाहर निकाला गया, एक गंभीर भारत एक उस सिचुएशन में था जबकि आपको डेली भ्रष्टाचार के कोई ना कोई खबर आ रहे थे, वहाँ से लाके और एक विकास के पथ पर अग्रसर करना, पूरे विश्व में भारत का एक इमेज जो बना है, पहले आप कहीं विदेश में अगर जाते तो आपको ये सुनने को मिलता कि अरे इंडिया, वहाँ पर तो रेड टेपिज्म चलता है, वहाँ तो भ्रष्टाचार के बिना कोई आप कार्य नहीं कर सकते हैं, सिंगल विंडो सिस्टम उपलब्ध कराया गया है कि भाई जितने आपके 50-55 कंप्लायंसेस पहले होते थे उतने परमिशन लेना पड़ता था और हर जगह आपको कुछ ना कुछ पैसा खर्चा करना पड़ता था, उससे एक सुगम विकास की गति प्रदान की जाए उसको लेकर प्रयास किया गया है, और इसी कारण से हमारी एक छवि बनी है। जहाँ तक रेयर व्यू मिरर का सवाल है, वास्तव में जो लोग गाड़ी ड्राइव करते हैं वो इस चीज़ को जानते हैं कि जब आप हाईवे पे चलते हैं तो रेयर व्यू मिरर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिरर होता है। तो वास्तव में भारत का अभी जो विकास का जो दौर है वो एक्सप्रेसवे पे चलने वाला ये दौर है, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें रेयर व्यू मिरर का तो सहारा लेना ही चाहिए। अगर वास्तव में अगर ऐसा आप नहीं कर रहे हैं तो आप एक परिपक्व ड्राइवर नहीं माने जाएंगे। लेकिन अब वही बात है कि ये राहुल गांधी ने कहा है, कभी अरुण जी ने उनको क्लोन प्रिंस कहा था, वास्तव में वो इसी तरह के मुझे लग रहा है कि जो शब्द हैं उसके लायक वो हैं। तो निश्चित रूप से राहुल गांधी को इतना पता भी नहीं है कि वास्तव में कि जमीन पे क्या कुछ हो रहा है, देश में क्या कुछ हो रहा है। इसी बीच अगर बात की जाए तो जैसे हम सबने सुना जॉन किर्बी जो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता हैं उनसे सवाल किया गया कल कि भारत का लोकतंत्र उसको लेकर के तमाम बातें उठती हैं, क्योंकि खुद राहुल गांधी जाकर के हर जगह बात उठा रहे हैं भारत के लोकतंत्र की, तो वहाँ से वो व्हाइट हाउस से मैसेज देते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है, आप दिल्ली जाकर के देखिए आपको पता लगेगा कि कितना तेज़ी से भारत जो है इस लोकतंत्र में रहते हुए भी विकास कर रहा है। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी ये सारी जो नौटंकी कर रहे थे वो अमेरिका में कर रहे थे, और उस समय व्हाइट हाउस से एक मैसेज आना, इससे दो बातें समझ में आती है। पहला
कि वास्तव में आपकी छवि पूरे विश्व के सामने क्या है, भारत की छवि पूरे विश्व के सामने क्या है, और दूसरा कि वास्तव में आपने जो ये 3-4 दिनों में भारत की जो बदनामी की है उसको लेकर विश्व नहीं उस चीज़ को मानता है, और यहाँ तक कि आपको ये संदेश देने का कार्य है कि वास्तव में जो आप बोल रहे हैं वो मिथ्या है और उसके अलावा कुछ नहीं है, ये काम आपको अपने देश का नहीं बल्कि विदेश का व्यक्ति बता रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि भारत की छवि पूरे वैश्विक स्तर पर क्या है और वास्तव में भारत को के ग्रोथ को डिरेल करने वाले कौन हैं, कौन भारत को ये कोशिश करता है कि भारत लगातार एक जिसको हम बोलते हैं कि आप खुद ही आत्मशर्मिंदगी में जीते रहिए, इन्होंने लगातार ये कोशिश किया है, और ख़ास करके भारत के पूरे इमेज को डिमीन करना, ये इनकी मुझे लग रहा है कि इनकी नियति में है। तो निश्चित रूप से उसका सबसे मुझे लग रहा है सटीक, अगर इस देश का कोई आदमी बोलता है, कोई किसी पार्टी का, खास पार्टी का आदमी बोलता, इनको तो समझ आता नहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स का बात है, लेकिन अब तो एक न्यूट्रल निष्पक्ष व्यक्ति ने बोला है जिसका इस देश से कोई संबंध नहीं है, वो विदेश में वो किसी एक अच्छे पद पर है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि भारत का वास्तव में जो मान है वो किस तरह तेजी से बढ़ा है, वो इमेज किस तरह से बिल्ड हुआ है, भारत पे लोग किस तरह विश्वास करते हैं। इसी बीच अगर बात की, जब राहुल गांधी अमेरिका में लगातार बयानबाजी कर रहे थे, एस जयशंकर विदेश मंत्री वो साउथ अफ्रीका में थे, वहाँ उनसे यही सवाल किया गया कि नाम लिए बिना कि अमेरिका में जो है भारत का नाम लिया जा रहा है, भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठ रहे हैं, आप जो है विदेश मंत्री हैं उसी केंद्र सरकार के, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? तो एस जयशंकर वहाँ कहते हैं कि ये हमारी इंटरनल जो है पॉलिटिक्स है, मैं बाहर आकर के इन चीज़ों पर राजनीति नहीं करता हूँ, और अगर इस पर बहस करनी है मैं भारत जा करके राहुल गांधी से इस मुद्दे पर बहस करने के लिए तैयार हूँ। इस चीज़ को कैसे देखते हैं विदेश मंत्री का स्टेटमेंट? देखिए, इसे हम राजनीतिक परिपक्वता कहते हैं। वास्तव में अगर आपके, देखिए, हमारे घर में जो भी समस्याएं हों, चाहे वो पॉलिटिकल हो सकता है या अन्य कोई भी विषय हो सकता है, अलग अलग फोरम है, पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, आप अलग अलग फोरम पे जाके अपनी बात को उठा सकते हैं, अपनी बात को कह सकते हैं। विदेश में जब जाकर आप देश की बदनामी करते हैं तो निश्चित रूप से इससे आप सिर्फ अपना, मतलब खुद को आप हास्यास्पद तो बना ही रहे हैं, बल्कि देश के पूरे इमेज को आप डिमीन करने की, उसको कलंकित करने की कोशिश करते हैं। तो विदेश मंत्री एक बहुत सुलझे हुए विदेश मंत्री हैं, वास्तव में जो उनका ब्यूरोक्रेटिक एक्सपीरियंस रहा है और जो उनका उनकी कार्य करने की जो शैली उनकी है प्रशंसनीय है, सभी लोग उनकी प्रशंसा करते हैं। तो उनके इस वक्तव्य से और ये साबित होता है कि वास्तव में दो व्यक्ति है अलग अलग पार्टी से संबंध रखने वाले हैं, दोनों बराबर के उच्च पदों पर रहे भी हुए हैं और एक अभी भी हैं, तो उसमें किस तरह से विचारों का अंतर है, मतलब जब आप खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं या आप राष्ट्रवादी हैं तब आपके विचार किस तरह से होते हैं, और जब आप चाइना से एग्रीमेंट करके जब चुपके से आते हैं, जब आप लगातार किसी खास व्यक्ति को जो इस देश में अपराधी है उसको, उसके आपके परिवार को, उसका जो भगाने की कोशिश करता है, भले ही वो 1000 व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार क्यों नहीं है, और आप इस देश के इलेक्टेड मुख्यमंत्री के खिलाफ आप यूएसए को लिखते हैं कि इनको वीजा ना दिया जाए, तो वास्तव में आपके मन में क्या चल रहा होता है उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी, चूंकि उनके डीएनए में है ये चीज कि वो भारत की कभी भी अच्छी पोजीशन, जो भारत मजबूत बने, इसको लेकर कभी वो नहीं मान सकते हैं, इसलिए आप देखेंगे कि जब कभी सर्जिकल स्ट्राइक होता है वो प्रश्न करेंगे, जब कभी डोकलाम का विषय होगा वो बोलेंगे नहीं हमारी सेना वहाँ पर पिटाई खा के आ गई। मतलब आप ये सोचिए कि कोई पाकिस्तान का आर्मी जनरल पे देखे, कोई एक आज तक युद्ध व्यक्ति नहीं जीता हुआ है, 50 मेडल लटके हुए हैं, खुद को व्यर्थ का पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा फैलाएगा कि भारत के खिलाफ हमने युद्ध जीता, तो वहाँ वो झूठ को भी सत्य साबित करने में लगे हुए होते हैं। और हमारे देश का एक विपक्ष की पार्टी का सबसे बड़ा नेता वो वहाँ पर जाके ये बता रहा है कि भारत किस तरह से कमजोर है, वो जाके हर समय जब भी भारत कभी कुछ अच्छा करता है तो वो इसी देश में रह के वो चीखने चिल्लाने लगेगा कि नहीं नहीं भारत ने कुछ अच्छा तो किया ही नहीं है। जब भी कभी युद्ध के समय में जब आपको हौसला बढ़ाने की बात आती है वो आर्मी के हौसले को कम करता है, उसको चाहता है कि आर्मी के हौसले पस्त हों। वो तो सौभाग्य से हमारे देश में वर्तमान में एक ऐसी लीडरशिप है और एक ऐसी आर्मी है जिसको इन ऐसी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वास्तव में अगर भारत विकास के पथ पर अग्रसर है वो रहेगा, हमारी आर्मी स्ट्रांग है वो रहेगी। लेकिन नहीं तो आप ये समझिए कि ये अपने मन से किस हिसाब से भारत को डिरेल करने की और इमेज को डिमीन करने की, उसको टार्निश करने की किस तरह
तो ये आपने सुना हमारे साथ एडवोकेट पीयूष पुष्कर को। हाल ही में अगर बात की जाए तो राहुल गांधी अमेरिकी दौरे पर गए, वहाँ पर तमाम बातें उन्होंने कहीं प्रहार किया भारत के लोकतंत्र पर, जो ब्रिटेन में जाकर भी किया था, वो रिप्लाई खुद ही व्हाइट हाउस, जो सब जानते हैं व्हाइट हाउस के बारे में, और अमेरिका जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर खुद ही बताता रहता है, वो अगर आज भारत के बारे में, भारत के लोकतंत्र के बारे में इतनी अच्छी बातें कर रहा है, तो आखिरकार राहुल गांधी को ये सब क्यों नहीं दिखता। इसी पूरे विषय पर हमारे साथ बात रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।